खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से है, जहां राम की नगरी अयोध्या में अयोध्या टैलेंट हंट का आयोजन उदया पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सहित अन्य टैलेंट की खोज की गई और इसमें कई जिलों से प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 700 बच्चों ने प्रतिभाग किया। आपको बताते चलें कि अयोध्या टैलेंट शो के आयोजक प्रफुल्ला साहू ने बताया कि इस अयोध्या टैलेंट हंट में सेमीफिनाले का आयोजन 9 जून को होगा। इसमें टैलेंट हंट में तरह तरह के कलाकार भाग ले रहे हैं, जिनमें शहर और राज्यों से अयोध्या में पहली बार कलाकारों का आगमन होगा, जिसमें अयोध्या टैलेंट हंट की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में शामिल वंशिका चौधरी, निखिल यादव, उज्ज्वल जाकिर सहित अन्य लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अयोध्या टैलेंट हंट में कई टीवी कलाकारों का भी आगमन होगा, जिसमें भाभी जी घर पर हैं की अभिनेत्री सोमा राठौर इस प्रतियोगिता में एक्टिंग को जज करने आ रही हैं और डांस फॉर वायलेट रिपर क्रियो के लीडर इंटरनेशनल डांस टीचर रोहन सिंह, कोरियोग्राफर ऋषि अरोरा सहित अन्य टीवी कलाकार जज की भूमिका में नजर आएंगे, जिसमें इन सभी कलाकारों का आगमन 22 जून को इस शो के ग्रैंड फिनाले कोहिनूर पैलेस में किया जाएगा। पास भी किसी भी तरह का टैलेंट तो वो यहाँ पे आकर के शोकेस कर सकता है, जिसमें मेहंदी, कढ़ाई, कराटे, जूडो, स्केटिंग, किसी भी बात भी किसी भी तरह का है वो कार्यक्रम। ये पहली बार हो रहा है आपके अयोध्या शहर में, जिसमें एक्टिंग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज आने वाले हैं 22 जून को, तो उसमें हमने बहुत सारे लोगों को हमने बढ़ावा देते हुए उनको तसल्ली दिलाई है कि उनको बोला है हमने कि आपको आप यहाँ पे ऑडिशन दीजिए, आ करके एक बार अपना टैलेंट शो करिए, अगर आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत अच्छी सिंगिंग करी, बहुत अच्छी डांसिंग करी, तो आपको टीवी सीरियल्स में, शॉर्ट फिल्म्स में, म्यूजिक एल्बम्स में काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ इसके बाद हमने यहाँ इस ऑडिशन के बाद हमने 9 जून को आपका सेमीफिनाले प्लान किया है, जिसमें जितने भी बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे आपके सेमीफिनाले में आएंगे और मेहनत करेंगे और लोग वहाँ पे उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी पूरी टीम, जितने भी लोग हैं, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, वो आकर के वहाँ पे उनको सिखाएगी, बताएगी कि किस तरह से आप और आगे बढ़ सकते हैं। फिर वहाँ से वो सिलेक्शन करके वो लोग ग्रैंड फिनाले तक जाएंगे, टॉप 10 टॉप 20 जो भी हमारे जजेस हमको हमारे सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का टैलेंट बाहर निकल के जाए और मुझे प्राउड है कि मेरे फैजाबाद में इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं और मैं प्राउड करूँगा यहाँ के बच्चों पे कि इतने टैलेंटेड हैं वो, और जजमेंट करने का मजा तभी आता है जब बच्चे टैलेंटेड होते हैं। रियली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टैलेंट ज़्यादा है पर उसको निखारने के लिए वो प्लेस नहीं मिल पाती, तो इसीलिए अयोध्या टैलेंट हंट इसलिए कराया जा रहा है कि उसके टैलेंट को निखारे। और ये मेरा दोस्त प्रफुल्ल साहू जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है बंदा, प्रफुल्ल कितने लोगों ने यहाँ पे भाग लिया? अच्छा, ऑडिशंस अभी तक शायद 30 से अबव ऑडिशन हो चुके हैं, जिसमें से एलिमिनेशन मैंने 15 ऐसा किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो सेकंड राउंड के लिए सेकंड राउंड बना हुआ है कि वो पहले राउंड में अगर नहीं सेलेक्ट हो पा रहे तो वो सेकंड राउंड में आके ऑडिशन से फिर उसके बाद उसका सेमीफिनाले सेट होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो उनको सेकंड राउंड के लिए चांस है, लेकिन बीच में जो गैप आया उसमें प्रिपरेशन। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।